ये जो हुजूर है ना, इनको आजकल चढ़ा बहुत ज्यादा गुरूर है। जी हाँ, दबंग की सक्सेस के बाद सल्लू मियां तो भौराए से ही नजर आते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक सोमरस में लीन सल्लू भाई कभी कभार अपना आपा खो बैठते हैं। शायद ऐसी कुछ हालत रही होगी सल्लू भाई की जब उन्होंने इस कन्या के साथ फिल्म करने की हामी भरी थी। जी हाँ, आसिन तो टुमकल, लोग तो इनका नाम भी ठीक से नहीं पुकार पाते, इससे आगे हम क्या कहें। ये जोड़ी तो ऑन स्क्रीन ऐसी लग रही थी मानो कौए के मुंह में हीरा। अब कौन है हीरा और कौन है कौआ, ये हमें बताने की जरूरत तो है नहीं ना। क्यों? तो जी, जो फिल्म इस जोड़ी ने साथ की उसका नाम था लंदन ड्रीम्स। वाह भाई वाह, इंडिया तक में तो लोग इनकी ड्रीम्स देखने से डरते हैं। तो ये कहा लंदन ड्रीम्स कर रही है, है मैडम तो तुम कल। खैर, अब फिल्म चुन ही ली तो कोई क्या कर सकता है, लेकिन उसमें एक्टिंग भी तो करनी होती है ना, वो तो आप शायद भूल ही गई। और जो बची कुची कसर थी वो सल्लू मियां ने अपनी सड़ेली ओवर एक्टिंग से पूरी कर दी। सलमान पूरी फिल्म में ओवर कॉन्फिडेंट कंफ्यूज सोल की तरह घूमते रहते हैं, और आसिन अपने जलवों से कभी मधुबाला का इम्प्रेशन डालने की कोशिश करती है, और कभी अपने कपड़ों से किसी और ही सदी का आइटमाइज्ड नमूना लगती है। कुल मिलाकर ये मिक्सचर बहुत ही अजील था। जो भी इंसान ये फिल्म देखने गया उसने लंदन ड्रीम्स तो नहीं देखे, लेकिन हॉल में सोते सोते हॉरिफाइंग ड्रीम्स जरूर देखे। आसिन और सलमान की केमिस्ट्री तो एक पहेली की तरह थी, जिसे बूझो तो जाने ऐसा लग रहा था कोई साउथ इंडियन लड़की किसी गांव के छोकरे से नौकरी मांगने के लिए उसे इम्प्रेस कर रही हो। उफो, अब ये सड़ेली जोड़ी एक बार फिर साथ दिखेगी रेडी में। नहीं नहीं, हम इसके लिए रेडी नहीं है। आसिन एंड सलमान एट नंबर 7,